So, dear students, let's move on the seventh question. What is DHCP? DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol that enable a server to automatically assign an IP address to a computer or smart device on a network. So, DHCP एक Dynamic Host Configuration Protocol है, एक software या इसको एक program भी बोल सकते हैं, जो सर्वर को इनेबल करता है कि ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करे किसी कंप्यूटर के लिए, किसी मोबाइल फोन के लिए, एक नेटवर्क के ऊपर. हमारा एट्थ क्वेश्चन है, डिफाइन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर सर्वर दैट प्रोवाइड द कैपेबिलिटीज सच एज मैनेज डाटा, यूजर्स ग्रुप, सिक्योरिटी, other networking functions and allow file and printer sharing access among multiple computers in a network. अब network operating system जो होते हैं वो design किए हुए हैं server के लिए, that provide the capabilities, जो हमें क्या क्या capabilities देते हैं, जैसे कि data को manage करना, user manage करना, group manage करना, security manage करना, और कुछ एक और भी नेटवर्किंग फंक्शंस होते हैं उनको भी मैनेज करना, इसके साथ ही फाइल और प्रिंटर शेयरिंग को भी एक्सेस करना अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में किसी नेटवर्क के ऊपर. सम एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर, अब कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 सर्वर है, यूनिक्स है, लिनक्स है और उबंटू है. अब चलिए इसके फंक्शंस देख लेते हैं. दी फंक्शंस और फीचर्स ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर, इट हैव्स टू शेयर फाइल एंड प्रिंटर ओवर ए नेटवर्क, इट हैव्स टू मॉनिटर सिस्टम एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायरस एंड हैकर्स, इट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर. आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर ही है, पढ़ने से पता चल रहा है. थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू ए सर्वर. अब इसके अलावा ये रिमोट एक्सेस भी सर्वर को प्रोवाइड करवाता है. इट प्रोवाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटीज, इसके अलावा ये नेटवर्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूटिलिटीज होती हैं, जो एक एडमिन का कंट्रोल होता है वो भी प्रोवाइड करवाता है. इसके बाद आती है इसकी डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स. अब इसको रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें कई सॉफ्टवेयर क्रैश होते रहते हैं, कोई ना कोई जरूरत पड़ी जाती है इसमें मेंटेनेंस की, तो रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट के लिए एक प्रॉपर और ट्रेंड स्टाफ भी चाहिए होता है, टेक्नीशियन चाहिए होता है. इट हैज हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर. अब इसको खरीदने जाए तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ी महंगी है और सर्वर को चलाने का काम जो है वो भी महंगा है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिनक्स एंड इट्स हिस्ट्री. अब लिनक्स क्या है और उसका जो इतिहास है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड इट्स मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर सेम एज विंडोज. अब लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओपन सोर्स मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है वो इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन करके इसमें और भी फीचर्स को ऐड कर सकते हैं. फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, एंड इट्स मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर सेम एज विंडोज, और इसके ज़्यादातर जो फंक्शंस है वो सेम विंडोज की ही तरह हैं. इसकी खासियत क्या है वो मैंने आपको बताई है कि इसमें कभी भी वायरस नहीं आता है, इसलिए इसे एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है. लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड ड्यूरिंग द 1990s. अब लिनक्स को किसने बनाया है? लिनस टोरवाल्ड ने 1990 के दौरान, अलोंग विद अदर प्रोग्रामर्स. द लिनक्स नेम इज ए कम्बिनेशन ऑफ लिनस एंड यूनिक्स. अब लिनक्स का जो नाम है वो कम्बिनेशन है लिनस और यूनिक्स का. Linux provide graphical user interface and character user interface both. अब Linux हमें graphical user interface और साथ में character user interface, ये दोनों ही हमें provide करवाता है. It include different distributions like Red Hat, Fedora, SUSE and Ubuntu.
इसके अलावा इसके कुछ एक और भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसके वर्जन हैं, जैसे रेड हैट है, फेडोरा है, सूजे है और उबंटू है। लिनक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.63 है, जो हाल ही में 8 अप्रैल 2020 को रिलीज हुआ है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका जो करेक्टर यूजर इंटरफेस है ये कुछ देखने में इस तरह का है, जो कि हमें विंडोज में सीएमडी के रूप में भी मिलता है विंडोज के अंदर, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज के अंदर अगर हमने इसको रन करना होगा तो सीएमडी नाम से रन कर सकते हैं। ये सीएमडी कमांड है जो हम, चलिए हम देख ही लेते हैं कि किस तरह से इसको हम यूज करते हैं विंडोज के अंदर। और उबंटू के अंदर भी सेम इसी तरह से इसका इंटरफेस आता है। एलसी मीडिया प्लेयर है, फाइलजिला है, यानी कि इसके सॉफ्टवेयर, देखो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है, इसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी हमें इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लेकिन इन विंडोज और उबंटू में डिफरेंस ये है कि हम विंडो के सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं चला सकते और इसके सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज के अंदर रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इस तरह से दिखाई देता है, इसका जो एक्सेल है इस तरह का आता है, पावर पॉइंट इस तरह से दिखाई देता है। रन करने हो बाकी सारे के सारे प्रोग्राम तो यहाँ से रन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज। चलिए देखते हैं कि लिनक्स और विंडोज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला है ओपन सोर्स। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स यूजर कैन मेक चेंजेस इन इट्स सोर्स कोड फॉर बेटर यूज। अब लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि इसके कोड में यूजर जो है वो खुद चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करके, और इसके अंदर अपनी फीचर्स भी डाल सकते हैं इसके बेटर यूज के लिए। अब विंडोज में, विंडो इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि विंडो जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूजर जो है इसके कोड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें नो लाइसेंस। लिनक्स डज नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस फॉर इट्स यूज। अब लिनक्स में किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है इसको यूज करने के लिए, जबकि बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर अ लाइसेंस फॉर इट्स यूज, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस के एक ऑप्शन आती है, वहाँ पे पूछा जाता है कि आप लाइसेंस की टर्म्स और कंडीशन से एग्री हैं, तब इंस्टॉलेशन होती है उसकी कंप्लीट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिनक्स के जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम्स हैं, यानी यहाँ तक कि लिनक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इंटरनेट के ऊपर मिलता है, बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी अब कुछ एक जो हैं वो हैं इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते भी हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं अब सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। लिनक्स में यूजर जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बट समटाइम कई बार जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंस्टॉल एप्लीकेशन। पॉइंट है सिक्योरिटी। अब देखते हैं सिक्योरिटी के लिए आज इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। लिनक्स इज ए सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट इट। ठीक है, बट वायरस कैन इन्फेक्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर विंडो में हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो विंडोज के अंदर वायरस आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सिक्स पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन। लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वीडियो गेम कंसोल, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। अब लिनक्स का ज़्यादातर इस्तेमाल जो कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी, मोबाइल फोन में भी, वीडियो गेम की कंसोल्स में भी, मेन फ्रेम ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में भी लिनक्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें वायरस नहीं आता है। सिक्स्थ पॉइंट है विंडो कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स एंड सम फोन्स। लेकिन विंडो जो है वो पीसी के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, लैपटॉप में, सर्वर में भी और
प्रोग्राम के अंदर भी, लेकिन इसका जो यूज है वो एज ए सर्वर नहीं किया जाता है। इसका जो विंडो का जो विंडो 2000 सर्वर है उसको हम करते हैं यूज, लेकिन अब लिनक्स में फीचर्स और एडवांसमेंट चाहते हैं तो हम लिनक्स को यूज करते हैं। लिनक्स की जगह उबंटू भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। अंडरस्टैंडिंग, लिनक्स इज नॉट इजी टू लर्न विदाउट एन एक्सपर्ट। ठीक है, लिनक्स जो है वो आसान नहीं है, बिना किसी एक्सपर्ट के इसको सीखना जो है वो मुश्किल है। सॉफ्टवेयर, लिनक्स हैज लिमिटेड अवेलेबल सॉफ्टवेयर। लिनक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वो लिमिटेड है, इंटरनेट के ऊपर जो भी हैं लिमिटेड अवेलेबल हैं, जबकि विंडोज के जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारे हैं इंटरनेट के ऊपर। ईज, लिनक्स इज नॉट ईजी टू यूज बट विंडोज मच ईजियर। लिनक्स जो है वो यूज़ करने में आसान नहीं है, जबकि विंडोज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजियर है, लेकिन अब लिनक्स को भी बड़ा आसान बना दिया है। उबंटु के जितने भी वर्जन आए हैं उनमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। हार्डवेयर, लिनक्स डज नॉट सपोर्ट मैनी हार्डवेयर डिवाइसेज। अब लिनक्स जो है बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसेज को सपोर्ट नहीं करता, जबकि विंडोज जो है वो सपोर्ट करती है। वट इज उबंटु? अब बात करते हैं कि उबंटु की उबंटु क्या है। डिफाइन उबंटु यूनिटी इंटरफेस। उबंटु इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया उबंटु भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, मतलब कि इसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल मिलता है हमें। इसके सोर्स कोड में इंस्टॉलेशन के बाद इसमें हम चेंजेस करके भी खुद अपने खुद भी फीचर्स जो है इसमें डाल सकते हैं। इट इज ईजी टू यूज एंड इंस्टॉल। यूज करने में ईजी है और इंस्टॉल करने में भी आसान है। उबंटु डज नॉट इन्फेक्ट विद वायरस। उबंटु इज ए स्टेबल एंड फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट टेक्स लेस मिनट्स टू लोड ऑन मॉडर्न कंप्यूटर्स। उबंटु जो है वो स्टेबल है और फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत कम टाइम लेता है ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में लोड होने में। द न्यू वर्जन ऑफ उबंटु रिलीज्ड एवरी 6 मंथ। अब उबंटु के जितने भी वर्जन हैं वो हर 6 महीने के बाद जो है वो रिलीज होते रहते हैं। एंड ब्रिंग्स रेगुलर अपडेट्स, और रेगुलर अपडेट्स के साथ आता है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ उबंटु इज 18.04। उबंटु का जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है अभी इंटरनेट के ऊपर वो 18.04 है। अब बात करते हैं इसके यूनिटी इंटरफेस की। द डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑफ उबंटु इज कॉल्ड यूनिटी इंटरफेस। इसका जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दिखाई देता है उसको हम यूनिटी इंटरफेस बोलते हैं। हियर वी कैन ड्रैग ड्रॉप एंड क्लिक ऑन वेरियस आइकन्स एंड मेनूज टू इंटरैक्ट विद उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका जो यूनिटी इंटरफेस है यहाँ पे भी हम आइटम्स को जैसे हम मोबाइल फोन में टैप करते हैं और आइटम्स को इधर उधर करके ड्रैग कर सकते हैं, वैसे सेम इसमें भी माउस के साथ क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इधर उधर हम कर सकते हैं उन आइटम्स को। इसमें भी सेम वैसे ही फीचर जैसे विंडोज में ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपीज के लिए भी, मूवमेंट के लिए भी। ठीक है, अब इसके इसके जो यूनिटी इंटरफेस है इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं। उबंटु इंटरफेस हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। डेस्कटॉप, द डेस्कटॉप ऑफ उबंटु इज ए मेन वर्क स्पेस एरिया। विंडोज में भी डेस्कटॉप ये मेन वर्क स्पेस एरिया, उबंटु में भी सेम वैसे ही है। हियर वी कैन ओपन रन एंड रीअरेंज मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। सेकेंड आता है लॉन्चर। द लॉन्चर इज ए वर्टिकल बार ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यूनिटी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फॉर अरेंजिंग फेवरेट फोल्डर एंड एप्लीकेशन। अब इसमें भी सेम वैसे ही, इसमें लॉन्चर है। जैसे विंडो में तो क्या है कि बीच में जैसे सारे के सारे आइकन डेस्कटॉप पे डाले होते हैं, इसमें क्या है एक वर्टिकल बार बनी हुई है। वर्टिकल बार मैंने दिखाई भी थी इस तरह से, ये वर्टिकल बार बनी हुई है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन के आइकन्स बने हुए हैं जहाँ से हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई और एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो यहाँ से डैश के अंदर जाकर हम प्रोग्राम जो है वो यहाँ से पिक करके यहाँ पे ड्रैग करके ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद है पैनल। द पैनल इज ए हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ यूनिटी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अब एक इसका पैनल भी है, हॉरिजॉन्टल बार है, जैसे वर्टिकल बार बनी हुई है, सेम ऐसे इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बार आती है ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर। इट कंटेन्स स्टेटस एंड एप्लीकेशन मेन्यूज। इसके अंदर एप्लीकेशन का स्टेटस और मेन्यूज अवेलेबल रहते हैं दैट अलाउ अस टू कंट्रोल एंड चेंज सेटिंग फॉर सिस्टम, जिसके अंदर बहुत तरह की सेटिंग, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जिसने जो सेटिंग्स है, जैसे टाइम की सेटिंग है टाइम सेट करने के लिए या नेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये सारी की सारी फीचर्स की
ये जो हॉरिजॉन्टल पैनल है इसका, हॉरिजॉन्टल बार है इसके ऊपर, ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। डैश, डैश इज एन इंटरफेस। अब बात कर रहे थे डैश की, तो डैश इज एन इंटरफेस दैट अलाउ अस टू सर्च एंड रन फाइल फोल्डर एंड एप्लीकेशन। अब डैश जो है एक इंटरफेस है जहाँ पे हम एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, उनको किसी भी फाइल और फोल्डर को रन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। चलिए इसको मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये ऊपर जैसे मैंने बताया ये इसका डैश, यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। और ऊपर इसके जो टॉप में बना हुआ है हॉरिजॉन्टल बार, ये बना हुआ है वो पैनल, इसके अंदर यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस हाइड हो गई हैं, जैसे ये बैटरी शो कर रहा है, मैसेजेस शो कर रहा है, इसके आगे ब्लूटूथ शो कर रहा है, और आधी ऑप्शन जो है यहाँ पे कट गई है, मैंने पिक्चर डाली हुई है यहाँ पे। यहाँ पे सेटिंग भी आती है डेट एंड टाइम की, और यहाँ पे इंटरनेट की भी ऑप्शन आती है कनेक्ट करने के लिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी था, फिर कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। Audio Jungle. Audio Jungle.